हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ नया वीडियो, जिसमें एक क्वेश्चन भी है। जो भी सबसे पहले उसका सही आंसर कमेंट करेगा, उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर वन से। इस ट्रिक को करने के लिए आपको ना नए मोड में कॉस्मिक रेसर, शायद इसको बोलते हैं, तो इसी में आपको ना ये जो सामने आपको ये छोटा सा घर दिख रहा है, इसी के पास आपको जाना है। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो, फिर आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो ड्राइव करे, फिर आपको यहाँ पर अच्छे से अंदर का व्यू दिखेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे फ्रेंड यहाँ पर कोई हैक वगैरह लगाए, बिल्कुल वो घर के आर पार यहाँ पर निकल रहा है। और जब आप गाड़ी में एंटर करके रखोगे तभी आपको यहाँ पर अच्छे से दिखेगा, अगर आप ड्राइव करोगे फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ड्राइव नहीं करना है, यहाँ पर आपको एंटर करके ही बैठना है। चलते हैं ट्रिक नंबर टू की ओर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको कहीं पर भी आना है, यहाँ पर आप चाहो तो ट्रेनिंग में कर सकते हो। आपको स्कोप खोलना है, फिर आपको यहाँ पर टैप करना है फायर बटन पे और स्कोप पे, आपको दोनों पे एक साथ टैप कर देना है। जैसे आप इस तरीके से करोगे आपका जो स्कोप है वो खुद ही ऑफ हो जाएगा और आपका फायर भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपका ट्रिक हो चुका है। और अगर आप फायर बटन को भी यहाँ पर ट्राई करोगे टैप करने का, आपका फायर भी यहाँ पर नहीं होगा। फिर आपका जो एम है ना वो इसके ऊपर ही चिपक जाएगा, आप कितना भी ट्राई कर लो बिल्कुल भी यहाँ से एम हटा ही नहीं सकते। मतलब ये जो आपका एम है ना वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, जिस जो कि टारगेट है यहाँ पर, जैसे कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर टारगेट है, तो ये जो चाहे वो कर सकता है। ये गोल गोल घूमेगा, मेरा स्क्रीन भी गोल गोल घूमेगा, ये राइट जाएगा, मेरा एम भी राइट जाएगा। मतलब ये सब कंट्रोल अभी इसी के हाथ में है। अब यहाँ पर कितना भी ट्राई करूँ ना अपना एम मतलब राइट लेफ्ट ले जाने का, कुछ भी मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, सारा कंट्रोल मेरे फ्रेंड के पास है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर थ्री को करने के लिए आपको ना नए मोड में कॉन्वॉय क्रैश में। तो यहाँ पर आप पहले ट्रिक को अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको एक खुद भी ये ट्रिक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरा जो यहाँ पर फ्रेंड है वो यहाँ पर भागी जा रहा है, एक ही जगह पे रुक के। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सामने किसी चीज से टकरा रहा हो। और सिर्फ मेरा एक फ्रेंड नहीं, यहाँ पर दो फ्रेंड ने ट्रिक किया है, जैसे कि आप देख ही सकते हो दोनों यहाँ पर सेंटर में बैठ के इस ट्रिक से रन कर रहे हैं। कैसे आप भी इस ट्रिक को कर सकते हो, सबसे पहले आपको लगाना है कॉन्वॉय क्रैश, जो कि आपको पता ही है। तो यहाँ पर जैसे आपको ये येलो कैरेक्टर दिखेगा ना, आपको जल्द से यहाँ पर रन करना है, फिर यहाँ पे गेम को मिनिमाइज रखना है। और जब तक आप गेम को मिनिमाइज रखोगे सभी एनिमीज को, फ्रेंड्स को, यहाँ पर आप दिखोगे कि एक ही जगह रन कर रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर फोर को करने के लिए आपको यहाँ पर पहले तो इस तरीके से इजेक्ट करना है। तो इजेक्ट करने के बाद जैसे आप इस तरीके से जमीन के नीचे आओगे, मतलब जमीन के पास आओगे, लैंड करोगे, आपको जल्द से यहाँ पर नेट को ऑफ करना है। तो जैसे आप यहाँ पर नेट को ऑफ करोगे आपका जो पेट है वो हवा में ही इस तरह से रहेगा और वो नीचे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपने आज तक कभी देखा है उड़ने वाला पेंगुइन? आज देख लो, पहली बार आपको दिखा रहा हूँ, इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है। उड़ने वाला पेंगुइन आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर फाइव को करने के लिए आपको चाहे रिक्शा, आपको नॉर्मली पता है हमारे रिक्शा की कितनी स्पीड होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है हमारा रिक्शा। और अगर आप इसको पानी में चलाने का ट्राई करोगे फिर तो बात ही अलग है। मतलब जब ये नॉर्मल नहीं चलता सड़क पर तो पानी में क्या ही चलेगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो किसी पहाड़ पे आपको इसको लाना है, फिर यहाँ पे पीछे का एक्सीलेटर दबा के रखना है और यहाँ पे आपको हैंडल को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और आपका जो ये रिक्शा है ना वो पानी के बीच में से इस तरीके से चलता रहेगा और सिर्फ चलेगा नहीं, आपका पूरा रिवर क्रॉस करेगा। और यहाँ पर हमारा पूरा स्क्वाड इस रिवर को क्रॉस कर चुका है और आपका रिक्शा बीच में भी नहीं फंसेगा, मतलब इस साइड में लाकर भी चला सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर सिक्स को करने के लिए आपको ना फिर से कॉस्मिक रेसर मोड में। तो जैसे यहाँ पर आपका इजेक्ट होगा ना, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो यहाँ पर गेम को मिनिमाइज कर दे, और ड्राइवर आपका फ्रेंड ही होना चाहिए तभी आपका ये ट्रिक हो पाएगा। जैसे आप यहाँ पर जमीन के टच करने वाले होंगे ना, आपको उसी टाइम पे यहाँ पर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो यहाँ पर गेम को फिर से खोले। और जैसे वो गेम खोलेगा आप वापस ऊपर चले जाओगे, और ऊपर जाने के बाद आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो फिर से यहाँ पर गेम को मिनिमाइज करे। और जैसे वो गेम को मिनिमाइज करेगा आप आ जाओगे पूरा मैप के नीचे, जैसे कि आप देख सकते हो। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद आपको फिर से अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो गेम को खोल दे। और जैसे वो फिर से गेम खोलेगा आप फिर से ऊपर जाओगे, आपको फिर से उसको बोलना है कि वो गेम को फिर से मिनिमाइज करे। और तीसरी बार आप यहाँ पर सीधा चले जाओगे मैप के नीचे, और जैसे आप नीचे आ जाओ फिर से फ्रेंड को बोलो कि फिर से गेम खोले, और फिर से यहाँ पर बोलना है उसको कि फिर से मिनिमाइज करे। मतलब ऊपर आने के बाद जल्द से फिर से उसको मिनिमाइज करना है। और इस बार क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है, ये बाइक है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये यहाँ पर इस तरह से मतलब फिलिप फिलिप करती रहेगी, जैसे आप देख ही सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर सेवन को करने के लिए आपको आना है पर पानी की गाड़ी के साथ, पहले तो पानी में, और पानी में आपको थोड़ा सा जाना है जहाँ पर ये पानी की गाड़ी बन जाए, मतलब इसके बाद आपको नेट को ऑफ करना है। और नेट को ऑफ करने के बाद पहले वेट करना है 999 पिंग का, जैसे 999 पिंग हो जाए फिर आपको यहाँ पर किनारे पर जाना है। और यहाँ पर आने के बाद सिंपली नेट को ऑन करो, और नेट को ऑन करने के बाद यहाँ पर गेट आउट पर टैप टैप करते रहो। और गेट आउट पे आपको तब तक टैप करना है जब तक कि आपका पिंग नॉर्मल नहीं हो जाता। जैसे आपका पिंग नॉर्मल हो जाएगा आपकी गाड़ी यहाँ से गायब हो जाएगी और वो पानी में ही रहेगी। और यहाँ पर आपको तो गाड़ी नहीं दिखेगी, आपका जो फ्रेंड है उसको अच्छे से यहाँ पर पानी के ऊपर गाड़ी दिखेगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गाड़ी है ना, इसको नॉर्मली पानी के नीचे ले जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट अगर आप इस तरीके से करोगे फिर आप गाड़ी को इस तरीके से पानी के नीचे ले जा सकते हो। और अगर आपका फ्रेंड यहाँ पर गाड़ी को ड्राइव करेगा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो कोई नॉर्मल गाड़ी पानी में ड्राइव करो, बट ये सिर्फ आपको दिखेगा, आपके फ्रेंड को नहीं दिखेगा। और अगर आपका फ्रेंड ड्राइव करेगा आप गाड़ी में यहाँ पर एंटर करके बैठोगे फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पानी में गाड़ी चला सकते हो, बट आपका जो फ्रेंड हुआ उसको सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, मतलब उसके व्यू में दिखेगा कि गाड़ी जो है पानी के ऊपर ही चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर 8 को करने के लिए आपको किसी भी एल शेप हाउस के पास आना है, आप चाहते हो कहीं और भी इस ट्रिक को कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ना किसी भी एल शेप हाउस के पास, यहाँ पर आपको सीढ़ी के पास इस तरह से प्रोन करना है, फिर आपको जो इस तरह से पहले आगे थोड़ा पीछे जाना है और फिर जो आपका कैरेक्टर इस तरह से आधा इसके अंदर घुस जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी लगभग आधी बॉडी जो है इसके अंदर चली गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त दिखता है। और आप चाहो तो अपनी टांगे भी इस तरह से पीछे से इसके अंदर फंसा सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बैठना है, फिर यहाँ पर लूट को ड्रॉप करना है। और जैसे आप अपनी लूट ड्रॉप करोगे आपकी जो लूट है ना वो पूरी की पूरी यहाँ पर हाइड हो जाएगी, चाहे आप इस साइड से देखो, ऊपर से देखो, कहीं से भी ये लूट बिल्कुल भी नहीं दिखती है। और ये तो हो गया इस साइड से भी, हम इस साइड से देखते यहाँ पर देखो यहाँ से भी लूट नहीं दिखी। बाहर से अगर आप देखोगे यहाँ से भी आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी यहाँ पर लूट नहीं दिखेगी, मतलब यहाँ पर जो है पूरा का पूरा खजाना छुपा सकते हो, कोई भी आपका खजाना चुरा नहीं सकता। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर 9 को करने के लिए आपको आना है क्लॉक टावर में, और क्लॉक टावर में आपको आना इस वाले मेन वाले हाउस के पास। तो यहाँ पर आने के बाद पहले तो आपको ऊपर जाना है सिंपली इस तरह से, कभी कभी आप ऊपर भी रहते हो नीचे वाले फ्लोर में जो है यहाँ पर बंदा रहता है, तो अगर आप ऊपर से डायरेक्ट नीचे जाओगे वो आपको किल कर सकता है, बट आपको क्या करना है इस तरह से स्कोप खोलना है यहाँ पे, जो धीरे धीरे इस तरह से आपको जंप करना है फिर आप यहाँ पर फंस जाओगे। और यहाँ पर जो भी बंदा होगा आप उसको यहाँ से इजिली किल कर सकते हो। अगर बंदा इस वाले रूम में नहीं है आप चाहे तो लेफ्ट वाले रूम की तरफ भी जा सकते हो, वहाँ पर इजिली एनिमी को किल कर सकते हो। और नीचे भी आप इस तरह से कूद सकते हो, डायरेक्ट आपको अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलते हैं ट्रिक नंबर 10 की ओर। इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर किल होना पड़ेगा, आप चाहे तो यहाँ पर एनिमी से किल हो जाओ, ग्रेनेड से किल हो जाओ, गाड़ी से किल हो जाओ, तो किसी भी तरीके से आपको किल होना है। किल होने के बाद सिंपली अपने फ्रेंड को बोलो कि वो आपको रिवाइव कर दे, और रिवाइव करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर आपको अपना गेम जो है फिनिश करना है। और आज का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैं किस चीज़ से किल हुआ, यही आपको कमेंट में बोलना है। तो जैसे आप गेम को फिनिश करोगे यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको टैप करना है। और सेव करने के बाद आपको सोलो में जाना है रिप्ले में, और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाला वीडियो जो है देखना है। और जैसे आप यहाँ पर ये वाला व्यू दिखोगे ना, जब आप नीचे आ रहे थे रिवाइव होके, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका जो स्केटबोर्ड है वो पूरा को पूरा यहाँ पर गायब हो चुका है, पूरा यहाँ पर इनविजिबल हो चुका है। और यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।